नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। आज इंडियन मार्केट्स में ओपनिंग तो हो गई ठीक, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव बन गया। हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग बढ़िया थी, आधे फीसदी के गेंस के साथ अमेरिकन मार्केट बंद हुए थे। वैसे अमेरिकन मार्केट्स थैंक्सगिविंग डे के मौके पर अब छुट्टियों पर चले गए हैं, कल आधा दिन काम होगा और आज तो वैसे ही बाजार उनके बंद है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में ना ओपनिंग तेज हो गई। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि सपाट खुलेंगे, 19,828 के लेवल पे खुल गए। उसके बाद जब तेज हुए तो 19,875 तक पहुंच गए थे। अब 19,875 तो बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि 16 नवंबर का हाई है 19,875 ही है। 19,875 पे पहुंचे और ये एपिसोड हो गया खत्म। ऊपरी स्तरों पर वीकली एक्सपायरी वाले दिन राइटर हो गए, हाँ भाई कॉल राइटिंग हो गई, और 19,875 से जो टूटे हैं 19,786, ये आज के दिन का लो है। अच्छा, ये 19,875 वाला जो एपिसोड है ना, शुरुआती एक घंटे में हो गया था, उसके बाद दिन भर तो बस बच रहे थे, कहीं ना कहीं नेचुरल सरों से कुछ ना कुछ पुल बैक आ रहा था, फिर बिकवाली उड़ती, ऐसे वाला मार्केट था, बिखरा बिखरा मार्केट। 19,802 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है, 9 अंक गवा दिए क्लोज टू क्लोज निफ्टी ने। अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, एक ब्रॉड रेंज, इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे, और वो रेंज बदल तो रही नहीं है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से। निफ्टी बैंक 43,577 के लेवल पे बंद हुआ 127 अंकों के गेंस के साथ, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट था, इनडिसीजन वाला मूड माहौल निफ्टी बैंक में भी। सेंसेक्स 5 अंकों की गिरावट के साथ 66,017 के लेवल पे हुआ बंद। एडवांस डिक्लाइंस 25 शेयर चढ़े निफ्टी के, 25 शेयर गिरे हैं। और निफ्टी पे जो तेज हुआ उसमें ऑटो कंपनी हीरो मोटो को आपका शेयर बहुत तेज दौड़ गया आज, 4.5% ऊपर, बजाज ऑटो 3% ऊपर। इसके अलावा BPCL पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक्टिव है ही, और 29 नवंबर को जो बोर्ड बैठक है उसमें इंटरिम डिविडेंड पे विचार होगा, उसके चलते पहले ही तेज हो गया है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, आईशेयर मोटर्स, इन स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन निफ्टी लूजर्स में सिप्ला आज दिन खराब था, क्योंकि पीतमपुर इकाई को USFDA की ओर से वार्निंग लेटर मिल रखा है। ये स्टॉक 7.5% टूटा है आज के सत्र में, क्रैक हो गया। अल्ट्राटेक आज 0.25% टूटा। SBI लाइफ, LTIM, LNT जैसे स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली हुई है 1% से 1.5% की। FNO गेनर्स में HPCL 7% उछला है आज। BPCL के मुकाबले HPCL की स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई दे रही थी। इसके अलावा ABFRL ये लेटर हाफ में चढ़ा, क्या गजब का चला, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद 5% की तेजी के साथ। हीरो मोटो को अब तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा दीपक नाइट्राइड और बजाज ऑटो में 3% से 3.5% के रिटर्न आए। FNO लूजर्स में सिप्ला निफ्टी का टॉप लूजर, वायदा कारोबार का टॉप लूजर, परसिस्टेंट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई 3%, ये नीचे आ गया। लाल पाथ लैब्स, इन्फो एच और बिंदु फार्मा 2.5% से 3% टूट गए। मिड कैप गेनर्स बहुत हैं मार्केट में, लेकिन जो आज तेज हुआ वो था होनासा कंज्यूमर। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत बेहतर पोस्ट कर दिए। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी 20% का अपर सर्किट लग गया। सीक्वेंट 8.5% चढ़ा है। JP एसोसिएट्स 8% से ज्यादा चढ़ गया। PCBL यानी कि फिलिप्स कार्बन, इस स्टॉक में भी 8% के रिटर्न आए। प्राज इंडस्ट्रीज 6% चढ़ा है, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। कॉन्फिडेंस पेट्रो, सिग्निटी, SW सोलर, इन स्टॉक्स में 5% से 6.5% के रिटर्न। येस बैंक 5% चढ़ा है। RTN पार 5% चढ़ा, और किरी इंडस्ट्रीज भी लगभग 5% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज क्रैक हुआ लगभग 8.5%। इसके अलावा रेट गेन 8% टूट गया। मास फाइनेंशियल 6% टूटा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक, विजया डायग्नोस्टिक, JB केमिकल फार्मा 4% से 4.5% ढेर हो गए। सेक्टर तो ऑटो ही दिखाई देगा, और उसमें भी टू व्हीलर कंपनियां तेज, जिसमें हीरो मोटो को आप लीड कर रहा था 4.5% की तेजी के साथ। बजाज ऑटो 3% चढ़ गया। TVS मोटर 2% चढ़ा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश, आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स में आज तेजी थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो खेल हो गया है OMCs में, पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तेजी में आ गए। और HPCL आज भी 7.5% ऊपर था। IOC 2.5% चढ़ गया। BPCL 2% ऊपर। इसके अलावा अन्य स्टॉक्स जैसे कि कैस्ट्रॉल, GSPL, गेल जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। असल एक्शन था आज शुगर कंपनियों में। बाजार खुलते ही एकदम से चीनी शेयरों की मिठास बढ़नी शुरू हुई, और कई कंपनियां तो दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हो गई। आउट शुगर 13% ज्यादा चढ़ गया। मगध शुगर 13% चढ़ गया। उत्तम शुगर ये तेज चल रहा था, लेकिन लेटर हाफ में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है इसमें, कुल मिलाकर 8.5% के रिटर्न। EID पैरी तो कमाल कर रहा था, दिन भर तेजी देखी हमने, 8.5% ऊपर आज बंद हुआ। धामपुर शुगर 5% ज्यादा चढ़ गया। रेणुका 5% अपर सर्किट। त्रिवेणी, द्वारके शुगर, सब स्टॉक्स तेज थे। रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का नंबर आ गया, सबसे तेज चला ये स्टॉक 6% ऊपर। सनटेक आज 5% चढ़ा है। फीनिक्स, ओबरो रियल्टी, शोभा, लोधा, ब्रिगेड, ये सब स्टॉक्स चले हैं। मेटल्स में JSL आज निचले स्तरों से रिकवर करता हुआ नजर आया, 4% चढ़ा। हिंद कॉपर, APL, अपोलो, JSW स्टील और रत्नामणि में तेजी देखने को मिली। बैंक्स में आज निजी क्षेत्र के बैंक्स कुछ पार्टिसिपेशन शो कर रहे थे तेजी की ओर। RBL बैंक जिसमें 1.5% चढ़ा है, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी। और HDFC बैंक का सहारा मिला, लगभग आधे फीसदी चला।
जो नहीं चले वो थे फार्मा, आज सिप्ला ने मूड खराब कर रखा था, सिप्ला में 7.5% का डेंट था, इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा 2% टूटा है, इपका लैब्स, ल्यूपिन, जाइडस लाइफ, लॉरस लैब, नैटको फार्मा जैसे स्टॉक्स हल्की मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए, लेकिन ग्रैन्यूल्स चढ़ा है आज के सत्र में लगभग 2.25%। आईटी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, परसिस्टेंट, एलटीआईएम, एलटीटीएस, टीसीएस, इंफोसिस सब नीचे बंद हुए हैं, परसिस्टेंट आज 3% टूटा है। तो देख सकते हैं आईटी फार्मा जो पिछले कुछ दिनों में चल रहे थे आज ट्रेडर्स ने थोड़ी मुनाफा वसूली की है। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में एक्शन बहुत है, जिसमें IREDA का आईपीओ 38.8 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ, इतने जबरदस्त सब्सक्रिप्शन फिगर्स, 30 से 32 रुपए का प्राइस बैंड तय हुआ था, इशू साइज था 2150 करोड़ रुपए का, सरकारी कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी वन, और गजब के सब्सक्रिप्शन फिगर्स। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ कल निवेश का आखिरी दिन है, अभी तक का रिस्पांस है बहुत बढ़िया और 14.85 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, 475 से 500 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। गंधार ऑयल रिफाइनरी का आईपीओ, इसका तो रिस्पांस टाटा टेक से भी ज्यादा तेज समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है अब तक, ये भी 24 नवंबर यानी कल तक ही खुला है, कल निवेश का आखिरी दिन है, 160 से 169 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और 500.69 करोड़ रुपीस का इशू साइज है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ भी कल निवेश का आखिरी दिन है, इसमें फेडरल बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है, प्राइस बैंड 133 से 140 रुपीस प्रति शेयर का रखा गया है, दूसरे दिन तक 0.90 टाइम्स ही अभी तक सब्सक्राइब हुआ है, पर ये ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कुल मिलाकर सब्सक्राइब हो जाएगा, 0.9 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का आईपीओ निवेश करने का कल आखिरी दिन है, प्राइस बैंड 288 से 304 रुपीस प्रति शेयर का रखा गया है और दूसरे दिन तक 6.11 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा, देखिए आज तो अमेरिकन मार्केट्स की है छुट्टी, क्योंकि थैंक्स गिविंग डे के मौके पे वहां पर कामकाज होना नहीं, और कल भी वहां पर अर्ली क्लोजिंग है, तो हमको अपने बलबूते चलना था और बुल्स के पास आज बहुत ही बेहतरीन एक मौका था, जैसे ही खुले थे वैसे ही शुरुआत में ही 19,875 के दर्शन हो गए थे, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि ये 19,875 पे तो बड़ा तगड़ा पेज फंस गया, तो यहाँ पर तो ट्रैप ही हो गए, ऐसा लग रहा था कि आज होगा ब्रेकआउट बड़े वाला और वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन नहीं हो पाया मार्केट से, मार्केट अभी भी एक रेंज में ही, और रेंज हम बार बार बता रहे हैं कि 19,875 हायर साइड पे है, 19,627 नीचे है, और इस रेंज को तोड़ने को तैयार ही नहीं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी, तो अभी तो फंसे हुए हैं ये बात तो पक्की है, लेकिन इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा चाहे ऊपर या फिर नीचे, उस डायरेक्शन में मूव बड़ा तगड़ा आएगा और सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर ट्रिगर क्या होगा मार्केट के लिए, ट्रिगर है राज्य चुनाव, ये जो अब जो 25 नवंबर को राजस्थान में और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव है, ये ट्रिगर पॉइंट है मार्केट के लिए, तो बाजार अहम चुनावों से पहले थोड़ा हिचकोले तो खाएगा ये बात तो पक्की है, लेकिन उसके बाद जब एक डायरेक्शन मूव आएगा वो बड़ा तगड़ा आएगा, उसी का सब वेट कर रहे हैं, और ऊपर से अभी तो ऐसा लग रहा है कि राइटर्स जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके चलते हैं वो बहुत हावी हैं, लेकिन इस ज़्यादा समय तक ऐसा इनडिसीजन वाला मार्केट जो है वो रह नहीं सकता, एक तरफा चाल बनेगी ज़रूर, बस उसका थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, तो पोजीशन साइजिंग थोड़ी छोटी रखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो और बेहतरीन मौके देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट पे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो अब एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी, दिस विल बी ये नवंबर मंथ की एक्सपायरी होगी, तो अब अगले हफ्ते तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी थोड़ी हावी रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन आपको पोजीशन साइजिंग अभी थोड़ी कम रखनी चाहिए, और ये जब तक ये राज्य चुनाव और उसके बाद जब डिसीजन आएगा दिसंबर में कि किसकी सरकार कौन से राज्य में बनती है, तो तब तक मार्केट में थोड़ा इनडिसीजन वाला मूड माहौल रहेगा, थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करने की सलाह रहेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।